मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मैं सरगम का बेटा कन्हैया, आप मुझे प्यार से कनु बुला सकते हैं। हमारा काम हो जाएगा? देखिए, मैं सिर्फ चिट्ठी रिसीव कर सकता हूँ, बाकी तो सिस्टम के हाथ में। वो काम लेंगे। कौन? मिस्टर सिस्टम। आप तो देश के प्रधानमंत्री है, आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? पंद्रह मार्च को आप देख सकते हैं एक बहुत ही खास फिल्म, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। इस फिल्म में 8 साल का एक बच्चा है जिसका नाम कन्हैया है। प्यार से लोग उसे कन्हू बुलाते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर जी को एक चिट्ठी लिखता है जब उसके माँ के साथ एक दुष्कर्म होता है। वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है। क्या वो प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर की स्टार कास्ट मौजूद है। फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोनियों से बातचीत करने के लिए राकेश सर। और अंजलि, नीतीश और ओम, ओम कन्हैया है उर्फ कन्हू, तो मैं इस पूरे इंटरव्यू में आपको कन्हू ही बुलाऊंगी। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद गो न्यूज़ के व्यूअर्स को दीजिए। आपने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है इस फिल्म में, उस चिट्ठी में आपने क्या लिखा है? बोलूं? उसमें मैंने लिखा है कि मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मैं सरगम का बेटा कन्हैया, आप मुझे प्यार से कन्हू बुला सकते हैं। मेरे बस्ती में किसी के घर में टॉयलेट नहीं है। घर में क्या, पूरी बस्ती में ही नहीं है। हम सबको बाहर जाना पड़ता है, कभी पाइपलाइन पे, कभी ट्रेन की पटरी पे। होली के दिन बस्ती के साईनाथ ने मेरी माँ के साथ बहुत गंदी बात की और कुछ लोगों ने तो उनका रेप भी किया जब वो टॉयलेट गई थी। अब माँ जब भी बाहर जाती है मुझे बहुत डर लगता है। माँ की ऐसी हालत देख के मैं बहुत रोया था। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके घर पे तो बड़ा टॉयलेट होगा। अगर आपके घर पे टॉयलेट नहीं होता और आपकी माँ के साथ ऐसा होता जैसा मेरी माँ के साथ हुआ है, तो आपको कैसा लगता? आप बस मेरी माँ के लिए टॉयलेट बना दीजिए, बड़ा होकर कमाऊँगा तो आपके सब पैसे लौटा दूंगा। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं, मैं गांधीनगर का कन्हैया। महिलाओं को लेकर फिल्म है, जो मुद्दा है, जिस नज़रिए से, जो हमारी मानसिकता है महिलाओं को लेकर, वो उसको कहीं ना कहीं बदलने की एक कोशिश है कि ये जो हमारी सोच है ये बदले। ऑल्सो ये जो फिल्म है, ये जैसे हम होली, दिवाली, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ये हमारी कहानी जिंदगी को मनाती है। अंजलि, आपका और ओम का जो रिश्ता इस फिल्म में दिखाया गया है, सरगम और कन्हू का, बहुत ख़ास है, बहुत भावुक करेगा लोगों को जब ये फिल्म देखेंगे। कन्हैया और सरगम का जो रिश्ता है वो बहुत ही दोस्ती का है और हम बहुत झगड़े भी करते थे और डांट भी लगाती थी मैं उसको, और रियल में भी। और कन्हैया तो होशियार है ही और सरगम का बेटा है, सरगम खुद बहुत ज़िद्दी है, तो वो तो डबल ज़िद्दी होगा। मैं अभी कुछ देर पहले आपको सुन रही थी, आप गुनगुना रहे थे, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं चाहूँगी कि अगर आप इस फिल्म का कोई एक गाना जो आपके साथ हमेशा रहेगा उसको गुनगुनाना चाहें। जी, हम साथ में गा सकते हैं। जी, मेरे को छोड़ के ये है गाना। कौन सा गाएं? रेजगारियाँ, रेजगारियाँ बढ़ने लगी, रेजगारियाँ दाना दाना ऊपर वाला देगा देगा, नीचे वाला जो भी देगा पैसा लेगा। दाना दाना ऊपर वाला देगा देगा, नीचे वाला जो भी देगा पैसा लेगा। बहुत अच्छा। और कन्हू, मैंने तो आपका रैप भी सुना है। आपने रणवीर सिंह को चैलेंज दे दिया, वो कुछ रैप कर दीजिए हमारे लिए। यो। ऐसे दो रैप है, दो जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आप करना चाहो।
मैं भी धारावी तू भी धारावी, तेरी गली में मैं मेरी गली में तू, मेरी गली में तू। हुई है गंदी बात मेरी गली में, क्या तू देगा मेरा साथ मेरी गली में। हुई है गंदी बात मेरी गली में, क्या तू देगा मेरा साथ मेरी गली में, प्लीज। बहुत खूब राकेश जी, आपने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। आप सभी बच्चों से, देश भर से अपील कर रहे हैं कि आप भी एक चिट्ठी लिखिए प्राइम मिनिस्टर जी को, और जो कुछ कहना चाहें उस चिट्ठी में आप लिख डालिए, क्योंकि हर चिट्ठी एक कहानी बयां करती है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? कॉन्टेस्ट भी है, एक मुहिम भी है, मतलब उसको कॉन्टेस्ट का नाम दीजिए, बट मेरे ख्याल से एक छोटी सी एक मूवमेंट है, हैशटैग पीएम को चिट्ठी जी, जो इस फिल्म के जरिए, मेरे लिए हर एक फिल्म के मायने फिल्म से ऊपर होते हैं। अगर हो सके राकेश सर, तो गो न्यूज़ भी ज़रूर आप हमसे भी शेयर करिएगा, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, वो किस तरह से सोचते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हैं तो ये छोटे लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल, मतलब ट्राई नहीं करेंगे, कमिटमेंट हो गई गो न्यूज़ के साथ, बिल्कुल बैठ के। बहुत शुक्रिया, पूरी चिट्ठियाँ बांटेंगे। शुक्रिया, और क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें देश से जोड़ेंगे। चुनाव आने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। अगर राकेश जी आपको मैं कहूं, आप प्राइम मिनिस्टर जी को एक चिट्ठी लिख के कुछ कहना चाहें चुनाव से पहले, तो वो उस चिट्ठी के कंटेंट्स क्या होंगे? प्राइम मिनिस्टर, मैं क्या कहना चाहूंगा चुनाव से पहले? जी मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को नहीं, मैं सारी पार्टीज के जो लीडर हैं और सारी पार्टीज के जो हाई ऑफिसर्स हैं, टॉप ब्रास हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप बेहतर से बेहतर कैंडिडेट उतारिए, और जो कैंडिडेट है वो ऐसा हो कि वो एकदम जो जो देश को बदल डाले। थैंक यू। और जाते जाते कनू, अगर आप पीएम से कभी मिले चुनाव से पहले, अभी तो आप छोटे हैं, अभी तो आप वोट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मन में हैं जो आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे, देश को लेकर, राजनीति को लेकर? हाँ, मैं ना बोलूँगा उनको कि जैसे हम अभी हम स्विमिंग पूल्स का मज़ा लेते हैं, होटल्स का मज़ा लेते हैं, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ का मज़ा लेते हैं, तो मैं चाहूँगा जो पुअर लोग होते हैं वो भी इसका मज़ा ले सके, और जो लोग जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते वो उनको स्कूल भेजे, ये चाहूंगा। बहुत खूब, बच्चों को तो स्कूल जरूर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, अंजलि, नीतीश और ओम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म बहुत अच्छा करे और दोबारा आपसे बातचीत करने का मौका मिले, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। नई दिल्ली से रूपाली तिवारी, गो न्यूज़ के लिए।